ए, चल पलटी हो यहाँ से, अभी अपना भाई इधर क्रिकेट खेलने वाला है, चल निकल। स्टार्ट द गेम। यार इनका क्रिकेट कब खत्म होगा? अंकल अंकल जल्दी चलो ना। हाँ चल रहा हूँ, थोड़ा रुको अभी। ए, अकल नहीं है? क्रिकेट सड़क पे खेलते हैं या मैदान में खेलते हैं? किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल। मेरी बेटी छत से गिर गई है भाई, प्लीज एम्बुलेंस को जाने दो, प्लीज बचा के। इमरजेंसी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। जाना। नमस्ते भैया जी। उस कमीनी का पता लगाया? अभी नहीं भाई, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा कैसा है? उसकी गर्दन अकड़ गई है। सर सर क्या है? आपका बेटा तब दवाई लेगा जब उसे मारने वाले का पता चल जाएगा। ए, ए, अर्जुन देख मैं आ गया। ए, मैंने साले को जिंदा जला दिया और उसकी अस्थियां मैंने कसम से गटर में बहा दी, पता नहीं इसको। हाँ, छोटे मालिक उसको टपका दिया। डॉक्टर दवाई दवाई लाओ, जल्दी करो, मेरा बच्चा। पानी दे पानी दे। भैया जी, जिस आदमी ने हमारे छोटे को कुत्ते की तरह धोया है वो हैंगिंग गार्डन में एक लड़की के साथ गाना गा रहा है। साला नालायक, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता था तू? ए अर्जुन, मुझे एक दिन का समय दे दे, मैं उसे यहां लाऊंगा, तेरे सामने मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। तू दवाई खा ले बेटा, अपने बाप की बात मान ले। क्या है, दवाई दे। अरे नर्स दवाई ला।
भैया वो कोई मामूली इंसान नहीं है, सीएम से मदद मांगी क्या? नहीं, घर की इज्जत का मामला है, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सीएम को पता चला तो वो शादी कैंसिल कर देंगे। तिरुपति जाओ और बिना वक्त गमाए मार डालो उस कमीने को और शैलजा को वापस लाओ। शुक्र है एक टेंशन से तो निकले। असली टेंशन तो अब शुरू होगी। मेरे पापा को वॉयलेंस या वॉयलेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए नया प्लान सोचना होगा। तुम कंधे पे सर रखकर सो जाओ जान, मैं सोचता हूँ। दिल बहुत घबरा रहा है सिद्धार्थ। हेलो। हे, बीआर की बेटी को भगा के मेरे बेटे से उसकी शादी करवाने का वादा किया था और अब खुद ही उससे शादी करने के सपने दिख रहा है। हे, तू एक गुंडा है, तेरा दिमाग इतना चलता है? मैं तो लवर हूँ, मेरा कितना चलेगा बोल। जानता हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझ में हिम्मत के साथ दिमाग, इसलिए तुझे दिमाग का दौरा पड़ने वाला है। नहीं समझा ना, पीछे मुड़ के देख। ए, मेरी बात ध्यान से सुनो, हर दो स्टेशन के बीच उसके फैमिली के कम दो लोग मरने चाहिए। कुछ खाना है तो ले लो, बच्चे भी ना। ये तो वही फैमिली है, अगर वो लड़का इनके साथ हुआ तो फिर से दुल्हन को भगा कर ले जाएगा। एक काम करते हैं, पहले इनको उतरने देते हैं, उसके बाद ही मैं अपनी दुल्हन से मिलूंगा, तब तक हम बाथरूम में जाकर बैठते हैं। क्या हुआ, रास्ते में क्यों खड़े हो? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा, जब भी शादी करता हूं दुल्हन को भगा ले जाता है। मेरे जाल में फंस गया है पीआर। सिद्धू को मैंने ही भेजा था ताकि तेरी बेटी से मेरे बेटे की शादी करवा सकूं। यकीन नहीं होता तो वो देख, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरी बेटी से बिछड़ के बहुत मायूस हो गया था मेरा बेटा। ए, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है बिच्छू। पीआर तू भूल रहा है, ये तेरा बंगाल नहीं हैदराबाद है, मेरा इलाका। चलो रे, चलो। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुन, पीआर शैलजा को ले गया है हाईवे की तरफ, वो तीन चार गाड़ियां लेकर निकल चुका है, उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। तू आगे निकल, मैं पीछे आ रहा हूं। वो शैलजा को लेकर जा रहे, उन्हें रोकना होगा। हाँ चाचू, मैं भी उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। तू यहाँ उन्हें रोकेगा कौन? है एक तूफान। Hey, कौन है रे तू? इनका नाम है दया और इनको दया बिल्कुल नहीं आती। क्यों रे सांड, कार में क्या स्मगल कर रहा है? तुम मुझे नहीं जानते और तुम में जानने लायक कुछ नहीं है। वन साइड स्टेप इन ज्योग्राफी रिपीट इटसेल्फ। ये क्या बकवास किया जा रहा है, मुझे बीच में रोकने का मतलब जानता है? अरे लेकिन तू फायरिंग क्यों कर रहा है? ये जुबान से नहीं गन से बोलते हैं, तुम्हें इनकी भाषा समझने में टाइम लगेगा। क्या? क्योंकि ये बहरे हैं। बहरा है? ए, भाई इस शहर के लायन है। बिल्कुल सही समझा, मैं लायन ही हूँ। मुझे देखकर तुम जैसे लोमड़ियों की सूसू निकल आती है। बंगालोगे तो लंच बनोगे। आए, तुम मिमिक्री आर्टिस्ट है क्या?
सर अभी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में है, इन्हें कन्विंस करोगे तो आगे जाने देंगे। लेकिन इसको मनाएं कैसे, खुद बहरा है ये। सर को फिल्मी गाने बहुत पसंद है, रोज 6-6 घंटे फिल्म देखते हैं। डांस करो, गाना गाओ, अगर सर को अच्छा लगा तो जाने दे। हेलो होम मिनिस्टर, मेरी वाइफ का फोन है, मैटर पूछ लो और मुझे समझाओ। हेलो, मैं मिसेस दया बोल रही हूँ। कल हमारी शादी की सालगिरह है ना, मेरे पति से कहो मुझे हनीमून वाले पिकनिक स्पॉट पर फिर से एक बार ले जाए। ओए शर्मा क्यों रहा है, वो क्या बोल रही है बता। अब इस बहरे को कैसे समझाऊं? भाई भाई मैं ट्राई करता हूँ। हाँ कर कर। बंद कर रहे, तवायफ की तरह मुजरा क्यों कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट फिल्मों जैसे डांस करना होगा, जा रे वैसा डांस कर। क्या बोला? अरे बंद करो ये नौटंकी, पैंट में कॉकरोच घुस गया क्या? कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हनीमून वाली जगह फिर से ले चलो, यही कहा होगा उसने, है ना? सर जैसा आपने कहा था मैंने उन सबको यहाँ पर रोक दिया है। सर देर मत करना सर, आप तो जानते हैं मेरी नौकरी जा सकती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। थोड़ी देर और मैनेज कर। सर उन्हें यहाँ रोकने के लिए मेरे पास अब और कोई टॉपिक नहीं है, मैं नया टॉपिक भेजता हूँ ना। सुपर्ब सर। किस मनहूस का फोन है? कंटेंट, क्या मैसेज है वो समझाओ मुझे। हेलो हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ, शहर में 15 नक्सलाइट घुस गए हैं, दया से कहो उन्हें देखते ही उनका एनकाउंटर करते हैं। अरे ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसे कैसे समझाऊं? अरे सिर्फ मैसेज देना है, बॉम्ब नहीं फेंकना, इतनी फटी क्यों पड़ी है? हमें क्या समझा है? तेरे बाप के नौकर है। कंटेंट कंटेंट समझाओ। मैं समझाता हूँ सर। ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। समझ गया, नक्सलाइट्स घुसा है। यानी तुम समझ गए, अब हमें जाने दो। ए, हट रहे, आप उससे भीख क्यों मांग रहे हो? लड़की हमारे पास है पापा। ए चुपचाप हमारा रास्ता छोड़, वरना इसी रूट से तेरी अर्थी गुजरेगी। साला नौटंकी लगा रखा है। ए समझा इस बहरे को। समझ गया। इतनी हिम्मत, पुलिस वाले का एनकाउंटर करोगे? आ, फिर से एक नई मुसीबत। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम लाल चंदन की लकड़ी स्मगल कर रहे हो, पर यहाँ तो लड़की के किडनैपिंग का भी केस है। गई भैंस पानी में। कन्या तुम कौन हो? सर इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। बस करो बेटी बस करो। अब सारा माजरा कान में घुस गया, तुम इस फूल सी बच्ची को किडनैप करके अपने इस फूल के गले बांधना चाहते हो? तुम चिंता मत करो बेटी, तुम इस फिल्म की हीरोइन हो, अपने हीरो का नाम बताओ मैं मिलवा दूंगा। गंदी स्माइल क्यों दे रहा है? पब्लिक को बचाना हम पुलिस वालों का काम है, लेकिन दुल्हनिया को बचाना दिल वाले का काम है। ए, ए, मार दो साले को। ए, 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 ए,